स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू स्टैंडर्ड 4th सेमेस्टर 2 हिंदी चैप्टर नंबर 12 महान वीरांगनाएं। अब तक हमने इस चैप्टर के 2 पार्ट्स देखे हैं, अब आगे देखें कि इसमें क्या आता है। चैप्टर नंबर 12 महान वीरांगनाएं। महान वीरांगनाएं मतलब कि जब हमारे देश पर अंग्रेजों ने शासन करना शुरू कर दिया और वो शासन करते करते इतने हम पर हक जताने लगे कि हमारे पूरे भारतवासियों को गुलाम बना दिया। अंग्रेजों की इस गुलामी से स्वतंत्रता दिलाने के लिए, हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाने के लिए हमारे देश के अनेक शहीदों ने बहुत ही अमूल्य योगदान दिया। उसमें जो शहीद जवान हो गए उनके साथ साथ हमारे देश की अनेक महिलाओं ने हमारे साथ ये आंदोलन में जुड़कर स्वतंत्रता दिलाने का पूरा प्रयास किया है। तो आओ देखें कि अब तक हमने कौन कौन सी महान वीरांगनाओं को परिचित किया। सबसे पहले 1947 में अंग्रेजों की शासन की गुलामी से मुक्त हुआ हमारा देश। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अमर बलिदान देकर हमारे भारत देश को आज़ाद करवाने में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। महारानी लक्ष्मीबाई के पहले 1828 में कीतूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजा दिया और उन्होंने भी बहुत सारे प्रयास और प्रयत्न किए कि अंग्रेजों से हमारा देश आज़ाद हो जाए। उसके बाद और भी कई महिलाएं आई जिन्होंने अपना योगदान दिया है। उनमें से एक है एनी बेसेंट। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेसेंट को चुना। जब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमेटी बनाई गई उनमें एक अध्यक्षता के रूप में एनी बेसेंट को चुना गया। कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली वे प्रथम महिला थी। कांग्रेस अध्यक्ष में वो अध्यक्षता बनने वाली प्रथम महिला थी। अब तक कोई महिला के रूप में अध्यक्षता नहीं बनी थी। उन्होंने आबिदा बानो बेगम और सरोजिनी नायडू के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन चलाया। एनी बेसेंट ने जो आंदोलन चलाया उसका नाम था होम रूल आंदोलन। वो उन्होंने सरोजिनी नायडू और आबिदा बानो बेगम के साथ मिलकर चलाया था। इन्हीं के प्रयत्नों से महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस जमाने में सिर्फ जब इलेक्शन आते थे तभी महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वो भी अपने वोट देने जा सके। लेकिन एनी बेसेंट ने ये जो होम रूल आंदोलन चलाया उसके बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। सरोजिनी नायडू गांधी जी के नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़ी और कई बार जेल गई। आगे भी हमने देखा कि महारानी लक्ष्मीबाई 1857 में अपनी क्रांति में बलिदान देकर हमारे देश को आज़ाद करवाने में बहुत ही सफलतापूर्वक वो पार किया। उसके बाद कीतूर की रानी चेन्नम्मा ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजाकर उन्होंने भी बहुत ही प्रयास करके हमारे देश को आज़ाद करवाने का पूरा प्रयत्न किया। उसके बाद एनी बेसेंट उन्होंने आबिदा बानो बेगम और सरोजिनी नायडू के साथ मिलकर भी काफ़ी प्रयत्न किए कि अंग्रेजों को हमारे देश से निकाला जा सके। तो सरोजिनी नायडू ने गांधी जी के साथ मिलकर नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उन्होंने उसमें भाग लिया और इन आंदोलन में भाग लेने के कारण उनको कई बार जेल हुई और उनको जेल जाना पड़ा। लीला नाग एक क्रांतिकारी देशभक्त महिला थी। एक और क्रांतिकारी देशभक्त महिला का नाम हमारे सामने यहाँ आ रहा है, उनका नाम है
लीला नाग। उन्होंने दीपाली संघ बनाया, क्या बनाया, एक संघ बनाया, उसका नाम था दीपाली संघ। लीला नाग के पति अनिल राय चौधरी थे, उनको 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि अंग्रेजों ने उन्होंने पकड़कर जेल में डाल दिया। 24 सितंबर 1932 की एक रोमांचक रात थी, प्रतिलता दत्त पोटेशियम साइनाइड की पुड़िया जेब में रखकर अंग्रेजों के क्लब में पहुंची और अपने साथियों को ललकारते हुए बोली, आज एक भी अंग्रेज यहां से बचकर नहीं जा पाएगा। 24 सितंबर 1932 की रात की बात की गई है कि एक और क्रांतिकारी महिला है जो उसका नाम है प्रतिलता दत्त, उन्होंने पोटेशियम साइनाइड की पुड़िया यानी कि एक तरह का वो पाउडर फॉर्म जो वो खा जाए तो कोई भी आदमी ऑन द स्पॉट मर जाता है, तो उनकी पुड़िया मतलब उसके छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर अपनी जेब में रखे और जहां अंग्रेजों की क्लब चल रही थी वहां वे अपने साथियों के साथ पहुंची और उन्हें ललकारते हुए बोला कि आज यहां से एक भी अंग्रेज बचकर नहीं जा पाएगा। सारी इमारत बम और पिस्तौलों के धमाकों से हिल उठी। वो जहां क्लब चल रहा था उस बिल्डिंग में बम रखे गए थे और पिस्तौलों के यानी कि गन के धमाकों के साथ वो सारी इमारत यानी कि वो बिल्डिंग हिलने लगी, जैसे कि अर्थक्वेक आता है और कैसे वाइब्रेशन आता है उस प्रकार वो हिल उठी। प्रतिलता भी घायल हो गई थी, जिसने ये करने का सोचा था प्रतिलता वो भी इस बम के धमाकों में घायल हो गई। उन्होंने पोटेशियम साइनाइड खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। देखो इस बम के धमाके में वो बच गई तो वो अंग्रेजों के क्लब पर पहुंची थी, तो अंग्रेजों को पता चलता कि ये कौन है और कहां से आई है और हमारे साथ क्या करना चाहती थी, तो वो अब बच जाने के कारण उन्होंने अपने जेब में जो पोटेशियम साइनाइड की जो पैकेट्स यानी कि उसकी पुड़िया रखी थी वो उसने खा ली। मैंने आगे आपको बताया उसी प्रकार कि पोटेशियम साइनाइड एक पाउडर फॉर्म में आता है, उसको हम अपनी टंग पर अपनी जीभ पर रखकर खा जाते हैं तो वो आदमी या इंसान तुरंत ही मर जाता है। तो इन्होंने भी क्या किया कि वो पोटेशियम साइनाइड की पुड़िया अपने जेब में रखी थी उसको खा लिया और वो तुरंत ही भगवान को प्यारी हो गई और अपनी जीवन की लीला समाप्त कर दी। दिसंबर 1931 में शांति घोष और सुनीति चौधरी नामक किशोरियों ने कोमिला के जिले मैजिस्ट्रेट स्टेवेंस को मार डाला। आगे दो और क्रांतिकारी महिलाओं का नाम हमारे सामने आ रहा है, वो है शांति घोष और सुनीति चौधरी, जिन्होंने 1931 में कोमिला के जिले में मैजिस्ट्रेट स्टेवेंस जिसका नाम था उसको मार डाला। फरवरी 1932 में एक युवती बीना दास ने बंगाल के गवर्नर स्टेनले जैक्सन की हत्या का प्रयास किया। जब आंदोलन इतना उग्र तरह से चल रहा था कि भाई अंग्रेजों को पकड़ कर मारने का हो रहा था, तभी एक दूसरी क्रांतिकारी महिला थी बीना दास, उन्होंने बंगाल के जो गवर्नर थे स्टेनले जैक्सन जिसका नाम था स्टेनले जैक्सन उसकी हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन वो बच गए, गवर्नर बाल बाल बच गए, पर बीना दास को 9 वर्ष की सजा हो गई। अगर हम कुछ जुर्म करते हैं तो हमें उसकी सजा मिलती है और यहाँ पर तो अंग्रेजों का शासन है तो हम भारतीयों को थोड़ी ही छोड़ेंगे, तो वो गवर्नर तो मरे नहीं, उनकी मारने की हत्या की गई, लेकिन बीना दास को 9 साल की जेल हो गई। उज्ज्वला मजमूमदार ने भवानी भट्टाचार्य, रवि बेनर्जी और मनरंजन बेनर्जी के साथ मिलकर गवर्नर एंडरसन पर गोली चलाई। देखो यहाँ और एक गवर्नर थे, उनको मारने के लिए उज्ज्वला मजमूमदार, भवानी भट्टाचार्य, रवि बेनर्जी
और मनरंजन बनर्जी एक साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं और दूसरे एक जो गवर्नर थे एडरसन पर उसने गोली चलाई। भवानी और रवि तो पकड़े गए, उज्ज्वला बाद में गिरफ्तार हुई। गोली चलाने के बाद भवानी और रवि पकड़े गए और उज्ज्वला को बाद में गिरफ्तार किया गया। इन सभी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा मिली। देखो कारावास मतलब हम जब तक जीते हैं ना तब तक हमें जेल में ही रहना पड़ता है। तो 20 साल तो बहुत है कि हमारी पूरी लाइफ जेल में ही बीत जाती है, पूरी हो जाती है। तो उनको कारावास यानी कि जब तक जिए तब तक जेल में रहना है। तो इन सभी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा मिली। लेकिन गांधी जी के प्रयास से वह 1937 में रिहा हो गए। लेकिन गांधी जी ने बहुत ही प्रयत्न किए कि इन सभी को छुड़ा लिया जाए। खासकर ये जो सभी जेल में गए थे ना गवर्नर एंडरसन को पर गोली चलाने के लिए, तो इन सभी को जेल में डाल दिया गया था। तो फिर 20 साल कारावास हुई। उसके बाद गांधी जी ने बहुत ही प्रयास किए उनको छुड़ाने के लिए। तो वो 7 साल के बाद जेल में से बाहर आ गए और उन सबको गांधी जी के प्रयत्न और प्रयास से रिहा किया गया। ओके स्टूडेंट, आज यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।